हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते टू एवरीवन। आज जो हमारा सेशन है और टॉपिक रहेगा सेल्फ डेवलपमेंट कैसे करें, डिसीजन लाइफ में कैसे ले पाए, प्रेजेंट ऑफ मोमेंट में डिसीजन कैसे ले पाए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुनंद मंडल। वेलकम टू आवर लाइव सेशंस एंड लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस ऑल्सो ए स्टोरी टेलिंग ऑल्सो। स्टेप बाय स्टेप विल बी अंडरस्टैंड सेल्फ डेवलपमेंट कैसे कर पाए लाइफ में, खुद प्रेजेंट ऑफ मोमेंट में डिसीजन कैसे ले पाए, जो चीज़ हमको मदद करेगा लाइफ में ग्रो करने में, सक्सेस को अचीव करने में एंड सारा चीज़ को अचीव करने में। लेट्स स्टार्ट फॉर द टुडे सेशंस विथ ए स्टोरी। एक स्टोरी के साथ शुरुआत करेंगे विथ ए वंडरफुल स्टोरी फ्रॉम सेल्फ डेवलपमेंट में हमारा मदद कैसे हो पाएगा एंड हम सेल्फ डेवलपमेंट कैसे करेंगे एंड लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाएंगे, सक्सेस को कैसे अचीव करेंगे। यस, स्टार्ट विद ए स्टोरी मिताली। यस, नमस्ते एंड वेलकम टू आवर लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन लाइव सेशन। आज इस सेशन में हम एक स्टोरी से शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का स्टोरी है हम डिसीजन कैसे ले, किस तरह से डिसीजन ले, हम जो अपने जैसे हैं जिस परिस्थिति में उसे देख के हम कैसे डिसीजन लें लाइफ में। एक बार की बात है, एक आश्रम में एक सभा तरह आयोजन हुआ था। सभी शिष्य भी बैठे थे, गौतम बुद्ध और गुरु भी बैठे थे। तभी एक शिष्य ने पूछा, प्रश्न पूछा, गुरुजी क्या हम कैसे हम अपना कार्य को करें, हम अपना बुद्धि को लगाएं, हम वर्तमान में जैसे उस परिस्थिति में कोई जो भी कार्य करे उस वो परिस्थिति में करे, या जो हमारे पारंपरिक विधि में हम वो कार्य करें, हम कैसे कार्य करना सही है, कैसे कार्य कर सकते हैं हम, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। तभी गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक स्टोरी के माध्यम से यह सब बताता हूँ। एक बार की बात है, एक तालाब में बहुत सारी मछलियाँ रहते थे, लेकिन उनसे उसी तालाब में तीन मछली रहते थे, तीन दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे और वो बहुत बुद्धिमान भी थे। तीन मछली के भीतर एक का नाम था अति बुद्धि, जो बहुत, और दूसरे का नाम था व्यवहारिक बुद्धि और तीसरे का नाम था कुबुद्धि। और तीनों ने एक साथ मिलके बहुत अच्छे से रह रहे थे। जो अति बुद्धि था वो अपना बुद्धि का इस्तेमाल करता था, उसे जो पता था वही वो इस्तेमाल करता था और कोई भी कार्य में उसका दिमाग लगाता था। और जो व्यवहारिक बुद्धि था वो बहुत बुद्धिमान तो था ही, लेकिन जो परिस्थिति आए, जिस परिस्थिति में वो है उसी को लेके वो सारा कार्य करता है, कैसे करना चाहिए वर्तमान परिस्थिति में वो सारा कार्य करता है व्यवहारिक बुद्धि। और जो था कुबुद्धि, वो थोड़ा आलसी था और वो अपने पारंपरिक की गत में जो उनके पूर्व पुरुष किए आ रहे हैं उसी को वो मानता है और उसी को वो करता है। कोई भी कार्य आए तो उसके पूर्वज जैसे जैसे तरह किए आ रहे हैं वो भी उसी तरह सभी कार्य करता है। तो तीन तालाब में बहुत अच्छे से रह रहे थे, बहुत खुश से रह रहे थे। तभी एक बार कुछ आदमी वहाँ पे आए, कुछ मछुआरे वहाँ पे आए और वो उस तालाब को देखा। उस तालाब में बहुत सारे मछली है, वो आपस में बात कर रहे थे, इस तालाब में बहुत सारे मछली है, क्यों ना हम यहाँ पे कल आके यहाँ पे जाल फेंके, और इस तालाब में बहुत सारे मछली है, तो हम अगर इस मछली को लेके बाज़ार में बेच देंगे तो बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और हमें बहुत महीने तक कुछ करना नहीं चाहिए, कोई मछली नहीं पकड़े भी तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मछली है। तभी वो बात कर रहे थे आपस में,
और वो जो तालाब में थे 3 मछली, वो भी उनके बात सुन रहे थे, सभी उनके बात सुना। और वो वैसे कह के कल सुबह आएंगे बोल के वहाँ से चले गए, तभी 3 मछली सब सुन रहे थे। और एक उनके भीतर एक सभा बुलाया, सारे मछली को एकत्रित किया, उन्हें बुलाया और वहाँ पे सभी को बताया कि कल कुछ मछुआरे आएंगे और यहाँ पे जाल फेंकेंगे, हम सारे मछली को ले जाएंगे। तो हम क्या करें, कल ऐसा क्या उपाय करें जो हम सारे मछली बच जाए, उनके जाल में ना आए। तभी उस व्यवहारिक बुद्धि ने कहा, हम सभी को यहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि कल ही वो आएंगे तो हमें तुरंत आज ही कोई अन्य स्थान में चला जाना चाहिए, कुछ दूर, हमें पतली रास्ते से कुछ दूर में एक दलदला है, वहीं पे चला जाना चाहिए। वो बोला तो हम वहाँ पे सेफ रहेंगे और वहाँ पे हम बच जाएंगे सारे मछली। तभी वो जो अति बुद्धि था वो उनकी बात सुना और कहने लगा, हम कैसे भाग सकते हैं, हम यहाँ पे सालों से रह रहे हैं, हमारे पूर्वज भी यहीं पे रह रहे हैं, तो हम यहाँ से भाग नहीं सकते हैं। अगर हम यहाँ से भाग जाएं तो हमें डरपोक कहेंगे, तो हम यहाँ से भाग नहीं सकते हैं। हम बहुत बुद्धिमान भी हैं और हम बहुत शक्तिशाली भी हैं, तो हम अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके भी बच सकते हैं। जैसे कि वो लोग अगर जाल फेंकेंगे तो हम पानी की बहुत गहराई तक चले जाएंगे और वहाँ से हम बच सकते हैं, तो हमें भागना नहीं चाहिए। और अगर हम किसी बस जाल में आ भी गए तो हमारे पूंछ के सहारे से हम वहाँ से निकल जाएंगे, वैसे कहा अति बुद्धि ने। तब कुबुद्धि ने कहा, परिस्थिति को आने दो, जैसे हमारे परंपरा के अनुसार हमारे पूर्वज यहाँ से भागे नहीं थे, कहीं गए नहीं थे, सभी परिस्थिति का सामना यहीं पे कर रहे थे, तो हमें भी सभी परिस्थितियों का सामना यहीं पे करना चाहिए, और उनको भी कुछ हुआ नहीं था, यहीं पे अच्छे से रह रहे थे, तो हम भी यहीं पे ही सुरक्षित हैं, यहीं पे ही हम अच्छे से रह लेंगे और हम अपना हम बच भी जाएंगे, क्योंकि हमारे जो पूर्वज कहा करते थे, जहाँ पे है वहीं पे ही रहना चाहिए, हमें भागना नहीं चाहिए, निडर होके वहीं पे ही रहना चाहिए और परिस्थिति का सामना करना चाहिए। वो ऐसे कहा और वो 2 मछली वहाँ से कहीं भी नहीं गए। तभी व्यवहारिक बुद्धि और कुछ अन्य मछलियों के साथ उस दलदले में चला गया। तभी दूसरे दिन हुआ, सुबह हुआ, दूसरे दिन वो मछुआरे आए जाल लेके और वहाँ पे जाल फेंके और सभी मछली को निकाल के ले गए। तभी वो सभी मछली जाल में आ गए और कोई भी उनसे निकाल नहीं पाया और सारे मछली को वो लेके चले जा रहे थे। तभी कुछ दूर वो व्यवहारिक बुद्धि उनको देख रहा था, उनकी परिस्थितियों को देख रहा था और सोच रहा था, अगर वो मेरे बात मान लिए होते तो आज उन्हें इस परिस्थिति से गुजरना नहीं पड़ता, इस परिस्थिति को नहीं सामना करना पड़ता, तो उनको मेरे बात मान लेना चाहिए था। स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि हम वर्तमान में जो है उसी सिचुएशन से हमें डिसीजन लेना चाहिए, तभी हम बच सकते हैं और सुरक्षित भी रह सकते हैं। यस फ्रेंड्स, इट्स ए वंडरफुल स्टोरी। हम लाइफ में किस तरह का सिचुएशन को फेस करते हैं एंड वो सिचुएशन से हम कैसे हैंडल करते हैं, जो व्यवहारिक बुद्धि था और प्रेजेंट ऑफ मोमेंट को लेके उसका इंटेलिजेंस को लगा रहा था, बट जो अति बुद्धि था क्या होता था, वो हमेशा मैं इंटेलिजेंस और एक्शन नहीं लेता था और प्रोसेस में प्रेजेंस ऑफ मोमेंट को समझता नहीं था, तो वो मोमेंट को डिफिकल्टीज होता है।
उसीलिए ज़्यादा बुद्धि का भी इस्तेमाल नहीं करना है। मोस्ट ऑफ पीपल्स क्या होता है, ज़्यादा बुद्धि को यूज करके वो प्रेजेंट ऑफ मोमेंट को यूज नहीं कर पाते हैं एंड वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। एंड अगर आप कोई भी बुद्धि का यूटिलाइज नहीं करेंगे तो उसमें भी आप लेजीनेस हो जाएंगे, उसमें भी आप प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बुद्धि का तो इस्तेमाल करना है, बट बुद्धि ही हमेशा वर्क नहीं करता है, उसके उसमें एक्शन भी रहता है, प्रेजेंट ऑफ मोमेंट भी रहता है, क्योंकि आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट। मोस्ट ऑफ पीपल क्या होता है लाइफ में, दूसरों को देख लेते हैं एंड दूसरों को देख के सेम चीज़ें फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और भाई दूसरों का सिचुएशन डिफरेंट होता है, उनका सराउंडिंग एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, तो उनके लिए वो बेस्ट में वो सिचुएशन सही था। बट अगर सेम चीज़ आप भी अगर लाइफ में फॉलो करना शुरू करेंगे तो व्हाट इट इज़ हैपनिंग, आपका एनवायरनमेंट अलग है, आपका सिचुएशन अलग है, आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट अलग है, तो वो रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है, सेम रिजल्ट जो उन्होंने फॉलो किया था। बट उससे आप लर्न कर सकते हैं, यू कैन लर्न फ्रॉम दैट मोमेंट, उन्हीं से सीख सकते हैं लाइफ में एंड आप खुद को खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लाइफ में। मोस्ट ऑफ सेम चीज़ें हम करते नहीं हैं लाइफ में, डायरेक्टली दूसरे को फॉलो कर लेते हैं, नहीं तो कुछ करते नहीं, हमको लगता है हम सिचुएशन के साथ सारा चीज़ हैंडल कर लेंगे, जब सिचुएशन आएगा देखा जाएगा। तो प्रेजेंट ऑफ मोमेंट को नहीं आता है, जब से वो सिचुएशन आ जाता है हम पास्ट को नहीं बैक कर सकते हैं एंड ऑफ मोमेंट में हम सेव नहीं कर पाते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट्स ऐसा है, बहुत सारा लोग ऐसा है, अगर हम चिल्ड्रंस का टाइम अगर समझ चुका होता तो आज ये दिन फेस करना नहीं पड़ता हमारा लाइफ में, आज ये डिफ़िकल्टीज फेस करना नहीं पड़ता। उसका मतलब क्या है, और पास्ट को चेंज नहीं कर पाएंगे बट पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच के उसका प्रेजेंट ऑफ मोमेंट को लॉस कर रहे हैं। बट वो चीज़ उसको समझना है, अभी वो क्या चीज़ कर सकता है, मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मैं पास्ट में तो किया नहीं, अगर पास्ट में पढ़ा अच्छा सा पढ़ाई कर लिया होता और अच्छा सा वर्क एक्टिविटी कर लिया होता तो मैं अभी बेटर लिविंग ऑफ लाइफ कर रहा होता। माय फ्रेंड्स, पास्ट तो आपके हाथ में नहीं है, ना आपका हाथ में फ्यूचर है, प्रेजेंट मोमेंट आपके हाथ में है। प्रेजेंट मोमेंट को आप कैसे यूज़ करेंगे, अगर उसी के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो आने वाला फ्यूचर आपका चेंज हो सकता है। बट दैट थिंग्स पीपल्स आर नॉट हैपन डूइंग इन देयर लाइफ, और सेम चीज़ उनका लाइफ में करते नहीं है हमेशा। सेल्फ इट विल बी डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंस होता है। पास्ट के ना पास्ट से ओनली लर्निंग लेना है, फ्यूचर के बारे में प्लान करना है, दैट्स इट, इतना सा करना है पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में। ओनली थिंक अबाउट योर प्रेजेंट मोमेंट, आप प्रेजेंट मोमेंट का अभी का टाइम कैसे विन करेंगे। अगर आप लाइफ में आज का टाइम अभी का टाइम यूज करना सीख गया लाइफ में, Nobody can stop you to grow in your life. यूनिवर्स का ऐसा कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक पाएगा, बट मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, हम प्रोकास्टिनेशन करते जाते हैं चीज़ों को, आएगा तो देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे, सिचुएशन जो भी हो जाएगा, मेरे पास इतना पावर है, मेरे पास इतना शक्ति है, मैं वो चीज़ को हैंडल कर लूँगा। फ्रेंड्स, शक्ति लगाने का क्या जरूरी है, ठीक है, अगर चीज़ों को अगर आसानी से हो सकता है तो उसमें अगर आप ज़्यादा इंटेलिजेंस लगाने का भी क्या जरूरत होता है। बट सेम चीज़ हम प्रॉपरली सिचुएशन के साथ हम टाइम को यूटिलाइज नहीं करते हैं, उसके लिए सफर पूरी और पीपल होता है। आप हमेशा देख लीजिए यूनिवर्स में, रिच पीपल कभी भी सफर नहीं होते हैं लाइफ में। हम मोस्ट ऑफ टाइम हम सोच लेते हैं उनके पास रिच है और रिच है एंड उसके पास पैसा है, दैट्स वाई दे आर नॉट सफरिंग इन देयर लाइफ, बट वो चीज़ नहीं है। They are caring to themselves, they are caring their families also, they are caring to everything in their life. उसीलिए वो रिच है एंड उसीलिए वो सफर नहीं होते हैं। हम सोच लेते हैं मनी ही इज एवरीथिंग, मनी इज इम्पोर्टेंट पार्ट अबाउट इन आवर लाइफ, मनी बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, बट मनी ही हर चीज़ नहीं है। इट्स अबाउट योर हेल्थ ऑल्सो इम्पोर्टेंस, अबाउट योर फैमिली ऑल्सो इम्पोर्टेंस। अगर आप फैमिली के साथ खुश नहीं है, आपके पास जितना भी मनी हो जाएगा, हाउ विल बी इम्प्लीमेंटेड, हाउ विल बी यूज इट, सो दैट इज द थिंग्स। लाइफ इट्सेल्फ ए बैलेंस, आप कितना बैलेंस करके आप आगे बढ़ रहे हैं, इतना आप खुश भी रहेंगे इतना आप आगे भी बढ़ेंगे। तो हमेशा बुद्धि का तो इम्प्लीमेंट करना है, उसके साथ प्रेजेंट और मोमेंट को यूटिलाइज करना है एंड हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। हमको पता है पास्ट में क्या चीज़ होने वाला है, उसके लिए हमको पता है क्या चीज़ अभी करना चाहिए हमको, बट वो चीज़ हम करते नहीं।
जो चीज़ एजुकेशन लेता है उसके उसको पता है हमको पढ़ना चाहिए, एग्जाम आने वाला है, एग्जाम आएगा, बट हो आज आज नहीं पढ़ेंगे कल से करेंगे, एग्जाम तो है 6 महीने के बाद है एग्जाम, बट 6 महीने के बाद एक दिन सेम चीज़ हम कहते रहते हैं, एक दिन आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं कल करेंगे, कल नहीं कल करेंगे, बट कल चला जाता है बट और दिन नहीं आता है, एंड ऑफ द मोमेंट एग्जाम आ जाता है, जब एग्जाम आ जाता है विल बी डू द थिंग्स, वो चीज़ करना शुरू करते हैं, रात भर पढ़ाई करो, रात भर 5-12 घंटा पढ़ाई करो, 14 घंटा पढ़ाई करो, उसमें क्या होगा, व्हाट विल बी गेट द रिजल्ट, और प्रोसेस में क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज द थिंग्स, प्रेजेंट और मोमेंट को यूटिलाइज करना है एंड हमारा बुद्धि को यूटिलाइज करना है, ऑलवेज लर्निंग माइंड सेट में रहना है, तो वंडर इट कंसिस्टेंसी, क्योंकि एक प्रोसेस में आप बहुत सारा चीज़ें सीख चुके होते हैं, 2-3 साल लगा चुके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें से लर्न कर चुके होते हैं, आफ्टर दैट आप डिसीजन लेते हैं गिव अप करने का, डोंट मेक इट गिव अप, गिव इट द गिव इट डायरेक्शन, अगर वो प्रोसेस में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इसको डायरेक्शन दे दीजिए, यू विल बी गिव इट डायरेक्शन अबाउट इन योर लाइफ, डेफिनेटली वो चीज़ आपको मदद होगा, ठीक है, अगर क्विट करना है तो स्टार्टिंग मोमेंट से आप डिसीजन ले लीजिए, थोड़े टाइम करने के बाद अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको क्विट कर दीजिए एंड स्टार्ट इट अनदर वन थिंग्स, ऐसा एक चीज़ आ जाएगा आपका लाइफ में जो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग भी लगने लगेगा, खुशी लगने लगेगा, उसमें रिजल्ट तो प्रोड्यूस नहीं होगा इनिशियल मोमेंट में, बट लेटर मोमेंट में वो चीज़ जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आसानी से आप रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर पाएंगे, एंड क्विट करना शायद ही इम्पॉसिबल होगा और प्रोसेस में, क्योंकि यू आर गेटिंग हैप्पीनेस थ्रू दिस प्रोसेस, अगर कोई दूसरों को देख के वो चीज़ शुरू किया है तो क्विट आसानी से हो जाता है, दैट इज द थिंग्स इट इज हैपनिंग विथ एवरी वन, यस, सो थैंक यू टू एवरी वन एंड लव एंड रेस्पेक्ट टू एवरी वन, यस, थैंक यू टू एवरी वन एंड लव एंड रेस्पेक्ट टू एवरी वन, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपके भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वारा हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।